इस्लामाबाद से खबर दें आपको कि बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और कानून के मुताबिक शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी है, इस हुक्मनामे में यह कहा गया है। मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज रिजवान काजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान काजी, क्या मजीद लिखा गया इस हुक्मनामे में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जारी इस हुक्मनामा में अदालत का कहना है कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। रियासत की जेर सरप्रस्ती लाव फुल इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वजीर आजम और काबीना में इमरान इस मास सर्विलेंस के इज्तमाही और इंफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत उम्मीद करती है कि वजीर आजम तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वजीर आजम लाव फुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतलक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने के पाबंद होंगे। हुक्मनामा में यह भी कहा गया है कि वजीर आजम बताएं कि क्या कानून और आइन के बखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है। वजीर आजम बताएं कि लॉ फुल इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट सिस्टम की तंजीब और मास सर्विलेंस का जिम्मेदार कौन है, और वजीर आजम ये भी बताएं कि हुक्मनामा जारी हो चुका है। रिजवान काजी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया।